नमस्कार साथियों मैं मोहित कुमार आज जैसा कि आप बहुत समय से कह रहे हैं कि सर साइंस की क्लासेस कब से आएंगी तो साथियों आज साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है पहली क्लास है ये और इसमें मैंने काफ़ी अच्छे टॉपिक को लिया है प्रकाश हमारा पहला टॉपिक है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसमें विभिन्न घटनाएँ किस प्रकार आपको मिलेंगी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जैसे तारों का टिमटिमाना या फिर आपका हीरे का चमकना या रेगिस्तान में मरीची का ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो आपके एंट्रेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और जो काफ़ी मतलब पूछे जाते हैं काफ़ी नंबर के आते हैं ठीक है तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइंस की और हिंदी की वीडियो दूँ देखिए साथियों आज हम इसमें जो तो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये पूरा डिटेल में समझ में आएगा क्योंकि ये साइंस का टॉपिक है और ये ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप कर कर के देख के समझ जाओगे ऐसा नहीं है ये समझने का टॉपिक है ठीक है साथियों तो काफ़ी पेशेंस के साथ इसको देखना है चलिए हम शुरू करते हैं देखिए पहले हम साथियों जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये सारी घटनाओं को आप क्लियरली समझ पाएंगे जो इस पर आधारित होती हैं और एंट्रेंस में पूछी जाती हैं देखिए साथियों इसमें परिभाषा बताओ तुम्हें जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है विचलित का मतलब होता है वो कुछ मतलब सीधी नहीं जा पाती ये इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं देखिए इस बात को आप ऐसे समझिए जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आप पानी में दौड़िए और फिर आपको कहा जाए कि पानी से अलग आप रास्ते में दौड़िए मतलब बिना पानी के रास्ते में सिंपल दौड़ना है तो आप कैसे तेज दौड़ पाओगे यानी कि सभी लोग हवा में तेज़ दौड़ेंगे पानी की अपेक्षा क्योंकि इसका कारण क्या है पानी जो है वो हवा से ज़्यादा डेंसर है यानी कि ज़्यादा सघन है समझ रहे होंगे ना तो इसको बोलते हैं सघन माध्यम ठीक है साथियों उसको क्या बोला जाता है वो आपका होता है सघन माध्यम और जैसा आपका हवा है वो है आपका विरल माध्यम ठीक है साथियों तो देखिए साथियों हो। होता क्या है जब प्रकाश की कोई किरण ऐसे आती है मतलब एक माध्यम है यानी कि हवा से वो आ रही है तो वो ऐसे डॉट डॉट मैंने दिखाया है इस पर सीधी जाने के बजाय थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है ऐसे आके थोड़ी टेढ़ी हो जाती है यानी कि वो झुक जाती है यह प्रकाश का झुकना ही आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है ठीक है साथियों अब देखिए इस पर जो आधारित घटनाएं होती हैं <coughs> वे इंपॉर्टेंट है तो मैंने अभी आपको परिभाषा इसकी समझाई है ये इम्पोर्टेंट है ये समझना है आपको यही आपकी क्रियाएं मतलब यही एग्जांपल्स आते हैं उसमें कि ऐसा पूछा जाता है तारों का टिमटिमाना चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित होता है ऑप्शन आपको मिलेंगे प्रकाश का प्रावर्तन दूसरा प्रकाश का अपवर्तन तीसरा प्रकाश का पूर्णांतरिक प्रावर्तन चौथा मिलेगा आपका प्रकाश का व्यतीकरण या विवर्तन कुछ भी मिल जाएगा ठीक है साथियों तो मेन बात क्या है ये जो घटना है आपका तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होती है देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं आप भूल नहीं पाओगे और मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि आप इन सारे प्रैक्टिकल स्कोप करके भी देख सकते हैं बहुत ईजी वे में देखिए साथियों क्या होता है रात्रि में यानी कि जो हमारा हमें तारे हालांकि तारे हमेशा निकले रहते हैं लेकिन तारे हमें ऐसा लगता है कि रात्रि में ही दिखाई देते हैं जबकि तारे हमेशा निकले रहते हैं और प्रकाश के कारण वे हमें सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते देखिए साथियों इनका टिमटिमाना किस बात पर डिपेंड करता है हमने माना कि धरती से और आसमान तक जहाँ तक ये प्रकाश की किरणें आती हैं उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं बहुत सारी लेयर्स मिलती हैं हमें ऐसे ऐसी बहुत सारी लेयर्स मिलती हैं वे हमें ऐसे तो क्या होता है मान ली ये वाली परत ये वाली परत अगर इसके ज़्यादा डेंसर है इसमें मेन बात होती है सघन माध्यम की और विरल विरल माध्यम की मैंने समझा दिया आपको सघन और विरल क्या होते हैं तो अगर कोई ऐसे प्रकाश किरण ऐसे आती है और दूसरी जो दूसरी परत है अगर वो ज़्यादा सघन है तो थोड़ी मुड़ जाती है ठीक है साथियों सीधी जाने की बजाय थोड़ी मुड़ जाएगी और सपोज दैट अगली फिर से आपकी जो परत है हवा की परत है ऊपर हवाई होती है वो अगर फिर विरल है तो फिर ऐसे जाएगी तो ऐसे ही ये क्रिया ऐसे होती रहती है यानी कि आपके तारे के जो प्रकाश की किरण चलती है वो इस प्रकार हमें शो होती है जैसे ऐसे आई तो फिर कहीं ऐसे कहीं ऐसे 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 हमें होती दिखती रहती है तो हमें लगता है कि प्रकाश यानी कि बार बार आ रहा है और बंद हो रहा है यानी कि तारे टिमटिमा रहे हैं जबकि तारे लगातार जलते रहते हैं यानी कि उनसे प्रकाश निरंतर निकलता रहता है ठीक है ना साथियों प्रकाश उनसे निरंतर निकलता रहता है लेकिन धरती और आसमान यानी कि तारों के और पृथ्वी तक आने के बीच में जितने भी हवा की परतें होती हैं उनसे बार बार प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता रहता है ठीक है साथियों <coughs> तो चलिए अब आप समझ गए होंगे कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पर इंग्लिश में याद रख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन बोलते हैं अपवर्तन को उस पर आधारित होता है ठीक है साथियों चलिए दूसरा आपका ऐसी घटना मिल सकती है अगर आप पानी में कोई चीज डाल दो जैसे आप सिक्का डाल दो या पेंसिल डाल दो कुछ भी चीज़ डाल दो उसके अंदर डाल दो तो हमें क्या दिखाई देता है कि वो पानी यानी कि वो सिक्का कुछ उठा हुआ दिखाई देता है यानी कि उसकी जो तली हालांकि वो ज़्यादा गहरी होती है लेकिन वो कुछ उठा हुआ दिखाई देता है अगर देखो मैं अगर तुम्हें बताऊँ अगर ये ऐसे बाल्टी है और सिक्का हमने यहाँ पर डाला है और तुम उसको ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से देखते हैं तो वो सिक्का शिक, हमें यहाँ की बजाय थोड़ा यहाँ पर दिखाई देगा ठीक है साथियों यानी कि कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा ये क्रिया आपके क्या कहलाती है ये भी आपका प्रकाश के अपवर्तन पर ही निर्भर करती है ठीक है साथियों चलिए नेक्स्ट ये प्रैक्टिकल आप करके भी देख सकते हैं आप इसको करके देख सकते हैं आपको सिक्का जरूर उठा हुआ दिखाई देगा आप करके देखिए इसको अच्छा लगेगा आपको याद भी रहेगा तीसरी घटना आपको ये भी मिल सकती है पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है जैसे आप इसको भी आप करके देख सकते हैं बाल्टी से कर लीजिए गिलास से कर लीजिए कोई गिलास लें आप ठीक है साथियों और उस उसमें पानी भर दें माना आपने यहाँ तक पानी डाल दिया तो आप यहाँ इसमें पेंसिल ऐसे डाल दें तो क्या होगा ये पेंसिल सीधी दिखने की बजाय आपको यहाँ से ऐसे कटी हुई नजर आएगी ये पेंसिल की ये शेप बनेगी देखो मैं दोबारा बनाता हूँ ऐसे गिलास दिखाई देगा आपको और यहाँ पर माना यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है तो आपको पेंसिल इस प्रकार दिखाई देगी एक ऐसे ऐसे ये चित्र होगा पेंसिल का यानी कि पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी यह क्रिया भी आपकी प्रकाश के अपवर्तन पर ही निर्भर करती है ठीक है साथियों चलिए नेक्स्ट इसकी घटनाएं देख लेते हैं ये घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि सीधा सीधा इनसे यही सवाल पूछा जाता है नेक्स्ट है आपका सूर्योदय के समय कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है देखिए साथियों होता क्या है मान लिया ये आपका क्षितिज है जहाँ सूर्य छिपता है उसको हम छितिज बोलते हैं यानी कि सूरज है और ये डूब चुका है बिल्कुल इसके सामने पृथ्वी आ चुकी है ऐसे ठीक है ना ये छिपने वाला है लेकिन क्या होता है डूबने के बाद भी इसकी किरणें हमें दिखाई देती रहती हैं ये भी आपका अपवर्तन होता है ठीक है साथियों याद रहेगा ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें यानी कि सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है और सूर्योदय होने से जस्ट सेकेंड पहले भी हमें दिखना शुरू हो जाता है तो यह भी घटना भी आपकी ये सब घटनाएं आप नोट कर लीजिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है यही घटनाएं पूछी जाती हैं कि ये किस पर निर्भर करती है सीधा सीधा सवाल आता है अगर आपको समझ ये आ गए होंगे तो आप आराम से इसको दस सेकेंड में लगा दोगे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा उस टाइम को आप गणित में या रीजनिंग में इस्तेमाल करना ठीक है साथियों चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन परावर्तन इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ठीक है उसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन देखिए इसकी परिभाषा बहुत थोड़ी बड़ी सी परिभाषा है मैंने यहाँ पे लिखना उचित नहीं समझा लेकिन बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ मैं आपको परावर्तन क्या होता है सपोज ये आपका कोई माध्यम है ऐसे आपका ये कोई माध्यम है यहाँ से कोई किरण आई और वो उसी माध्यम में अगर लौट के चली जाए तो इसको हम प्रावर्तन बोलते हैं इधर से कोई किरण आई और उसी माध्यम में लौट के चली गई इधर से नहीं आई ठीक है इसकी थ्योरी लंबी है थोड़ा मैं मुझे आवश्यक नहीं लगा कि मैं पूरी थ्योरी को समझाऊं बड़ा टॉपिक है अब मैं इस पर बात कर लेता हूँ कि इस पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं है होती हैं प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर नंबर एक हीरे का जो चमकना जो हीरा हमें चमकता हुआ नजर आता है उसकी जो घटना होती है वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है साथियों क्या होता है हीरे की कटिंग इस प्रकार की जाती है हीरे की कटिंग इस प्रकार की जाती है कि एक कोई भी उसके अंदर प्रकाशी किरण घुसे तो वो बाहर नहीं निकल पाती बार 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 बार, बार वो परिवर्तित होती रहती है और प्रकाश उसके अंदर ही हमें दिखाई देता रहता है ठीक है साथियों तो ये भी आपको याद रखना है हीरे का चमकना प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है दूसरा आपका रेगिस्तान में मरीचिका देखिए मरीचिका होती क्या है इसको भी समझिए आप इसका कारण यह है, है कि जब रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है रेगिस्तान में मोस्टली गर्मी रहती है तो क्या होता है ऊपर की वायु गर्म हो जाती है यानी कि जो यानी कि रेत के पास की जैसे मान लीजिए रेत है यहाँ पे सारे में इसके आसपास की वायु रेत गर्म हो जाता है इसके आसपास की वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु कैसी होती है हल्की होती है हल्की का मतलब यानी कि वो विरल माध्यम का कार्य करती है कैसा विरल माध्यम है यानी कि रेयर मीडियम ठीक है ऊपर थोड़ा सा जो ऊपर की वायु होती है वो नीचे की वायु की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा मतलब हल्की नहीं वो भारी है, नहीं, वो होती है यानी कि वो ठंडी होती है ऊपर वाली कैसी होती है हवा ठंडी होती है तो क्या होता है वो हमें क्या दिखाई देता है अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें पेड़ पौधे भी उल्टे नज़र आते हैं पेड़ भी उल्टे नज़र आते हैं ठीक है थीके? पेड़ उल्टे नज़र आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई तालाब है यानी कि नीचे कोई पानी का स्रोत है जिसके कारण वो हमें उल्टा नजर आ रहा है जबकि ऐसा नहीं होता ठीक है जबकि ऐसा नहीं होता रियल में वो क्या होता है वो आंतरिक परावर्तन होता है यानी कि जो किरणें आती हैं जो मतलब पेड़ से निकलने वाली किरणें होती हैं यानी कि जो पेड़ की हम वो देखते हैं वो ऐसा लगता है कि जना पेड़ ऊपर से आ रहा है उल्टा नज़र आता है ठीक है साथियों बहुत बड़ी थ्योरी है इनकी इनके कई कई नंबर के सवाल आते हैं कक्षा ग्यारह बारह में इनके जब सवाल आते हैं कम से कम पाँच नंबर को आता है इनको डिफाइन करने में तो पूरा नहीं मैं बता पा रहा हूँ बस इतना ही याद रखना है आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन रेगिस्तान में कि मरी जो हीरे का चमकना रेगिस्तान मरीची का ये सब आपका पूर्णांतरिक प्रावर्तन पर निर्भर करते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका कांच में पड़ी दरार बहुत चमकीली दिखाई देती है तुमने देखा होगा अगर आपका शीशा चटक जाए और उसमें जो दरार सी पड़ जाती है सपोज आपका आपका कोई ऐसा कांच है कोई शीशा है और ऐसे तिरछा होके चटक जाए तो जो ये लाइन होती है ये दरार होती है ये काफी चमकीली नजर आती है ठीक है साथियों इसका कारण क्या है इसका कारण अभी पूर्णांतरिक परावर्तन है